बस बस क्यों भाग रहे हो? कैमरा चल रहा है। करोड़ों सालों बाद ऐसा प्लेन रोड मिला है जब जाके सेकंड गियर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब थोड़ा गाड़ी एवरेज दिखे, एवरेज के नाम पे तो कुछ नहीं दिया है मेरी तो। फिर भी पोखरा के पहले ही टैंक फुल था, उसमें मनांग गई। मनांग से अभी बेसी शहर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। फर्स्ट गियर में कितना ही एवरेज देगी, 10-15 चल रही, वो भी इतनी हाइट पे, इतने एल्टीट्यूड पे कहाँ एवरेज देगी। ऐसे रोडों का अपना मजा है, थोड़ा सा बीच में जो मिल जाता है, थोड़ा टाइम कवर हो जाता है उससे। भाई यहाँ होगा तेल, पिछले बार भी यहीं डलाया था ना। टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है। पिछले बार भी यहीं पड़ा था ना। साफ करा ले पहले, कर दे तो मजा आ जाए। चेन बहुत आवाज कर रहा है, चेन साफ कर दे तो बहुत आवाज कर रहा है। और तेल डाल देते, जरा खींचना यार। राजन खींचो, जोड़ लगा के। बहुत कचरा जमा हुआ है, देख रहे हो? निकले जा रहा। मनांग से आ रहे हैं, गोरखपुर, इंडिया, गोरखपुर। वहीं के हैं क्या? नेपाल के हैं आप? बीरगंज, रक्सौल बॉर्डर। अच्छा, उधर वाला, बिहार वाला। पूरा ये सब कचरा जमा हुआ है अंदर, जम गया है जम के। आ रहे हो तुम लोग इसमें? सब दिमाग चाहता है ये। आ रहे हो? कैमरा ऑन है। क्या कह रहे? हम लोग इंडिया से, सुनौली बॉर्डर। और कुछ मीठा और नेपाली ब्रोस? क्यों भाग रहे हो? कैमरा चल रहा है, आगे ब्लॉग पे 2-3 दिन बाद देख लेना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। सब रिपेयर कर देते हैं, बढ़िया, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और क्रेज देखो भाई बाइकों का यहाँ। बस बस रहने दो। कॉट बाय नेपाल पुलिस थंबनेल। नेपाल की पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कहो, बहुत अच्छे हैं। इतनी रिस्पेक्ट, मतलब पुलिस से ना के बराबर रहती है, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट देती है नेपाल की पुलिस, बहुत ज़्यादा।
फाइनली आ ही गया पेट्रोल पंप, कितने किलोमीटर से ढूंढ रहे थे। अब एक बार फुल होगी सीधा घर रुकेगी। अब पता नहीं आता कि नहीं आता, नहीं आता तो वहीं ढकेलता फिर लेके। यहाँ पे 180 रुपये लीटर, मतलब तो लगभग 120 इंडियन, बहुत महंगा है भाई। अभी जो हम गिरे ना रोड पे, मस्त मजे आ गए, मतलब मोड़ रहे थे, मोड़ते वक्त गिर गए, बहुत भारी हो ही गया, इतना लगेज, ऊपर से गाड़ी भी भारी है। मेरे हिसाब से इसमें 2500 में फुल होगी नेपाली, 1500-1600 इंडियन में तो फुल होती है। 100-2600 समुंदर है ये, समुंदर है ये, बहुत पीती है। अभी बहुत जाएगा, ज़्यादा नहीं, 12,000 का तेल आया है चारों गाड़ी में, लगभग 1900 का ड्यूक में आया है, 2800 या 2700 इसमें आया है, ऐसे ही हुआ है, टोटल 11,900 कुछ रुपए हुआ था। यही है, इतने में तो आराम से चलेगी, मेरी तो चलेगी कुछ नहीं तो, हाँ 400 किलोमीटर से ऊपर ही चलना चाहिए। ये दोनों ड्यूक एवरेज नहीं दे रहे ना, बहुत कम एवरेज दे रही है। हम तो पोखरा का डला है, वापस पोखरा ही पहुंचने वाले तब पड़ा, इन लोग का तो 2-3 बार पड़ चुका तब से। और ये कम वक्त रास्ते ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्लेन रोड जल्दी से आने वाला है, 10-5 किलोमीटर में आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं बचा है पोखरा, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है और बस। मीठा वन न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम बेसी सर खुदी भैया, एक नंबर चिकन चावल खिलाए, मज़ा आ गया, इतने थके हुए हैं कि खुद को हम नहीं दिखा पाएंगे। मस्त यहाँ आग चल रही है, अब सोने का टाइम आ गया है। कभी भी आए ना, पाथ अन्नपूर्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, कभी भी आए यहाँ रहे, मस्त भैया बना के खिलाएंगे तुरंत, ताज़ा बगल से ला के चिकन, एक नंबर व्यवस्था है। सोने मनांग अन्नपूर्णा राउंड बात, मेरा होटल है ना अन्नपाथ अन्नपूर्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, ये है होटल रेस्टोरेंट, फूड एंड रूम अवेलेबल, बाकी ये है लोकेशन, हम डाल देंगे अच्छे से आपके लिए, वेरी वेरी वेलकम सर, वेलकम।